परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रियो आज इस दिन में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को मिलने में बहुत खुश हूं। हाँ मेरा प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कितना महान परमेश्वर है, हमें आज का दिन को देखने दिया है। इस जुलाई महीना 1 तारीख से लेकर 25 दिन तक उन्होंने हमें संभाला और आज का दिन को भी देखने दिया है। हाँ मेरा प्रियो, आज के सुंदर अवसर पर एक वचन को हम अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति 50वां अध्याय उसका 20वां आयत को हम अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों के पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हाँ मेरा प्रियो, यूसुफ इस प्रकार अपने भाइयों को देखकर बता रहा है कि तुम लोगों ने मेरे विरोध में विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरे लिए भलाई कर दिया था। तुम लोगों ने मेरे विरोध में विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मेरे लिए भलाई के रूप में उसको बदल दिया। मेरे प्रियो, हम यूसुफ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यूसुफ अपने घर में सबसे छोटा था और यूसुफ का पिताजी याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम रखता था और यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं बहुत अच्छे रंग बिरंगे वस्त्र पहनाया और बाकी सारे भाइयों से बढ़कर यूसुफ से याकूब बहुत अच्छा प्रेम करता था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। यूसुफ अपने घर में अपने पिता के लिए एक बहुत प्यारा बेटा था, प्रेमी बेटा था। लेकिन जब यूसुफ के भाइयों के बारे में देखते हैं, जब यूसुफ के पिताजी याकूब यूसुफ को ज्यादा प्यार करता था, तब उनके भाई लोग इतना गुस्से हो रहे हैं, यूसुफ के विरोध में कार्य करने के लिए विचार कर रहे हैं। रे हमारे पिताजी हमसे ज्यादा यूसुफ से प्रेम करता है, हमसे ज्यादा यूसुफ के लिए अच्छे अच्छे हमें चीजों को दिलाता है, अच्छे अच्छे रंग बिरंग कपड़ा पहनाता है। ये बंदा बहुत छोटा है लेकिन हमसे ऊंचे पद में बैठ गया, इनको हम ऐसे ही जाने नहीं देना है, यूसुफ को एक दिन हम खत्म करना है करके यूसुफ के खुद के भाई लोग यूसुफ के विरोध में विचार करते हुए हम बाइबल में देखते हैं। मेरे प्रियो, एक बार इस प्रकार हुआ कि सारे भाई लोग अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए चले गए थे। याकूब ने यूसुफ को बुलाया, बेटा तुम क्या करना, अपने भाइयों से जाके मिल के आना, हर साल पूछ के आ जा करके याकूब अपना बेटा यूसुफ को भेज रहा है। यूसुफ अपने पिता की बातों को मानकर जा रहा है जंगल के ओर। और हम देखते हैं जब सारे भाइयों ने यूसुफ को अकेले देखा, उन्होंने बहुत खुश हो गए। अरे देखो, हम लोग बहुत दिनों से हमें योजना बना रहे थे, विचार कर रहे थे, देखो बंदा अभी अकेले फंस गया, आज उनको खत्म करना ही है करके सारे भाई लोग इकट्ठा करके यूसुफ को खत्म करने के लिए, हत्या करने के लिए योजना बना रहे हैं। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि पहली बार क्या करते हैं, सारे भाई लोग मिल करके एक 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 सूखा पड़ा हुआ एक कुएं जैसे एक गड्ढे के अंदर यूसुफ को डाल देते हैं। यूसुफ चिल्ला रहा है, भैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ करके चिल्ला रहा है, लेकिन उनके भाई लोग बिल्कुल उनके ऊपर दया नहीं दिखाया। और हम देखते हैं उस समय कोई बंदे कोई व्यापार करने वाले हमें इजिप्ट के और उन लोग जा रहे थे, उनके भाई ने क्या किया, चलो बढ़िया अच्छा हो गया हमारे लिए, हम एक काम करेंगे इनको पकड़ कर क्या करेंगे, उनके हाथों में हम भेज देंगे। और हम देखते हैं यूसुफ को उनके हाथों में गुलाम के रूप में 20 सिक्का चांदी के लिए उनको बेच देते हैं। मेरे प्रियो, यूसुफ के साथ इतना बुरा हो रहा है, उनके खुद के भाइयों के साथ हो रहा, भाइयों से हो रहा है। और हम देखते हैं यूसुफ अपने जीवन में बहुत हमें अकेलेपन को महसूस किया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। हाँ मेरे प्रियो, यूसुफ शायद इस प्रकार सोचा होगा, मेरे भाई लोग भी इस प्रकार समस्या को सामना नहीं किए होंगे, लेकिन क्यों मेरे जीवन में अकेले इस प्रकार मैं समस्याओं को सामना कर रहा हूँ, क्यों अकेले मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं,
क्यों मेरे साथ इस प्रकार हो रहा, मैं तो किसी के साथ मैंने बुरा नहीं सोचा ना बुरा किया, लेकिन क्यों मेरे साथ इस प्रकार बुरा हो रहा है और क्यों मेरे खुद के भाई लोग मेरे विरोध में हमें इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। यूसुफ इस प्रकार सोचा होगा, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें जो भाइयों ने यूसुफ को हमें खत्म करने के लिए योजना बनाई थी, जो भाइयों ने यूसुफ के विरोध में कार्य कर रहे थे, विचार कर रहे थे, वही भाइयों के सामने परमेश्वर क्या करता है, एक बहुत बड़ा अधिकारी के रूप में यूसुफ को बना देता है। हाँ मेरा प्रियो, हमें हमें भजन संहिता 105 में जब हम देखते हैं वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने उसको अपने हमें भवन का हमें प्रभु बनाया और पूरी संपत्तियों के लिए उनके प्रधान बनाया, यानी कि अधिकारी बनाया करके भजन संहिता 105 में हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। मेरा प्रियो, हमें परमेश्वर यूसुफ के जीवन में हमें बहुत बड़ा चमत्कार कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रियो, उनके भाइयों ने यूसुफ के विरोध में कार्य किया, विचार किया, लेकिन परमेश्वर उसको यूसुफ के लिए भलाई के रूप में बदल दिया। उनके भाइयों ने यूसुफ के विरोध में विचार कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के लिए उसको भलाई के रूप में बदल दिया। यूसुफ अभी बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। हाँ मेरा प्रियो, शायद हमारे जीवन में भी इस प्रकार हम समस्या को सामना कर रहे होंगे, शायद हमारे जीवन में भी हमारे खुद के परिवारों के कारण हम परेशान हो रहे होंगे, शायद हमारे खुद के भाई और बहनों के कारण हम समस्याओं को सामना कर रहे होंगे, दुखित हो रहे होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर जिन्होंने आपको और मुझको बनाया, आपके बारे में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योजना बना के रखा है। शायद कोई भी आपके विरोध में विचार करे, शायद कोई भी आपके विरोध में योजना बनाए, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में हमें बहुत बड़ा आशीष देने के लिए चाहता है। यूसुफ के जीवन जब हम देखते हैं, यूसुफ जो भी हमें जो जो उन्होंने नुकसानों को सामना किया, जो जो दुखों को सामना किया, उसके बदले में परमेश्वर यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ा ऊंचा पद को दे रहा है, एक बहुत बड़ा आशीष को दे रहा है। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का चमत्कार को हम वहां पर देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यूसुफ के जीवन इतना बड़ा ऊंचा पद को देने के लिए ही, यूसुफ के जीवन इतना बड़ा आशीष को देने के लिए ही ये सारे हमें अनुमति दे रहा है। मेरे प्रियो, यूसुफ को उस आशीष को प्राप्त करने के लिए, लायक बनाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए ही इतने सारे हमें बातों को यूसुफ के जीवन में परमेश्वर अनुमति दे रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप इस प्रकार सोच रहे होंगे, अरे मेरे भाइयों ने मेरे विरोध में कार्य कर दिया, मेरे परिवार वालों ने मेरे विरोध में कार्य कर दिया, हमें मेरे जाति के लोगों ने मेरे विरोध में कार्य कर दिया, मैं क्या करूंगा करके शायद आप लोग हमें सोच रहे होंगे और दुख में पड़े होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों ने आपके विरोध में कार्य किया, जो भाइयों ने आपके विरोध में विचार किया, हमें परमेश्वर उनके सामने आपको ऊंचा करना चाहता है। हमें जो बंदा ने आपके विरोध में कार्य किया, आपको खत्म करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए कोशिश किया, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है। यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप स्थिर रहेंगे, हाँ मेरा पुड़ियो, जरूर उस आशीष को और उस ऊंचे पद को अपने जीवन में आप देखेंगे। मेरा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस जगह में आप काम करते हैं, वहां पर आपके विरोध में बहुत लोग आपसे काम किए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कंपनी वाले ने आपके विरोध में गलत आरोप लगाए थे, जिस बंदा ने आपके विरोध में कार्य किया आपको नौकरी से हटाने के लिए, हाँ मेरा प्रियो, उसी व्यक्ति के सामने आप अधिकारी बनाने वाले हैं, उसी व्यक्ति के हमें सामने आप एक अधिकारी के रूप में ठहरने वाले हैं। परमेश्वर आपको उसी बंदे के हमें सामने, उसी कंपनी में या उसी जगह में परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ा अधिकारी के रूप में आपको ठहराना चाहता है। यदि आप विश्वास करेंगे, जरूर आप अपने जीवन में उस आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरा प्रियो, यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं, पहले अपने पिता के ओर से जो रंग बिरंग बहुमूल्य वस्त्र मिला था, उसको अपने भाइयों के कारण उसको खो गया था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यूसुफ के जीवन में इतना बड़ा आशीष दिया, क्योंकि
पूरा इजिप्ट देश के लिए, पूरा मिस्र देश के लिए वो अधिकारी बन गया। जरा सोचिएगा, एक देश के लिए पूरा देश का अधिकारी बनेगा तो उनके पास कितना आशीष होगा। हाँ मेरा प्रियो, उनके खुद के भाइयों ने उनके जीवन को खत्म करने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन यूसुफ के जीवन में जब हम देखते हैं 25वीं आयत में लिखा है, हमें वहां पर हम देखते हैं यूसुफ अपने जीवन में अपने बेटों का, हमें उनको पोतों तक उन्होंने सामना देखा। यूसुफ अपने जीवन में 110 साल अपना जीवन व्यतीत किया करके वचन में लिखा है। कौन है? जिनको उनके भाइयों ने बहुत छोटी उम्र में खत्म करने के लिए कोशिश किए थे। जो बंदा बहुत कम उम्र में मरने वाला था वो बंदा अभी 110 साल तक जीवित है। जो बंदा बहुत छोटे उम्र में मरने वाला था वो बंदा अभी अपने बेटों का, अपने पोतों तक, नाती पोतों तक देख रहा है। हाँ मेरा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप लोग सोच रहे होंगे बस मेरा जीवन खत्म होने वाला है, बस मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा योजना बना के रखा है। हमें आप अभी मरने वाले नहीं है, आपका जीवन अभी खत्म नहीं होगा, आप अभी आगे बहुत आशीष को देखने वाला है। आप अभी आगे बहुत बड़ा ऊंचे पद को, आशीष को देखने वाले हैं। आपके खुदा हमें बहुत बड़ा आशीष को, बहुत बड़ा ऊंचा पद को रखा है आपका, हमें आपके जीवन में उस आशीष को प्राप्त करना अभी बाकी है। इसलिए मेरे प्रियो, अभी आपके जीवन फिलहाल जो आप हमें समस्याओं को सामना कर रहे हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, उसको देखकर आप निराशा नहीं होना है, उस चीजों को देखकर, उन समस्याओं को देखकर आप दुखित नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिन्होंने आपको मुझको बनाया, जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योजना बना के रखा है, इसे चिंता मत करिएगा, प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, धन्यवाद देकर आप आगे बढ़ते जाइएगा। जरूर आपके जीवन में परमेश्वर हमें बहुत अच्छे आशीष देने के लिए और सामर्थ्य और अनुग्रहकारी है। आइए समय मांग के बात करके हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज आप हमसे बात किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु परमेश्वर, जैसे यूसुफ के जीवन में यूसुफ के साथ आपने कार्य किया प्रभु, उनके भाइयों ने उनको खत्म करने के लिए योजना बनाई थी, यूसुफ के विरोध में वो लोग विचार बना रहे थे, लेकिन आप यूसुफ के जीवन में प्रभु एक बहुत बड़ा आशीष दिया, यूसुफ के जीवन में एक बहुत बड़ा ऊंचे पद को दिया प्रभु जी। प्रभु आज भी आप जीवित है, आप हमारे जीवन में भी प्रभु आशीष देने के लिए सामर्थ्य है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी भाई और बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके जीवन में सहायता कर प्रभु जी। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान को सामना किए हैं, समस्याओं को सामना किए हैं, वो धोखे को खाए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके जीवन में आपका आशीष मिल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, सारे टूटे हुए दिल यीशु के नाम से शांति से भर जाए। हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन व्यक्तियों के सामने प्रभु वे लोग प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, उन लोग सिर झुका कर आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उसी व्यक्ति के सामने, वही लोगों के सामने प्रभु आप अपने बेटे और बेटियों को, हालेलुया उनके सिरों को, हालेलुया प्रभु आप खड़ा कर लिए प्रभु, प्रार्थना करता हूं गवाही के रूप में खड़ा कर दिए प्रभु, जो प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप हमारे प्रार्थना सुनने धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमेन। हाँ मेरा प्रियो, प्रभु आपको आशीष दें, आज का वचन के अनुसार आप अपने जीवन में स्थिर रहिएगा, विश्वास में स्थिर रहिएगा, परमेश्वर की योजना जरूर आपके जीवन में पूरा होगा। यदि आज का वचन आपके जीवन में आशीषित हुआ है, आप इस वचन को, इस प्रचार को अपने दोस्तों को भी और आपके परिवारों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी आपके द्वारा आशीष पा सकें। हमें लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रभु सबको आशीष दें। जय मसीह की।